नमस्कार दोस्तों, आज हम थर्ड ईयर मैकेनिकल में चलने वाले सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर की सिक्स यूनिट में जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने से पहले हम फिफ्थ और सिक्स यूनिट जो कि हीट ट्रांसफर से रिलेटेड ही है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने फिफ्थ यूनिट में देखा था कि जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है वो तीन तरह के हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है वो फोरियर लॉ के द्वारा दिया जाता है, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस साइन है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस को डी टी के रूप में लिखने के कारण आता है। डी टी हमेशा होता है एंड टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है जहाँ से कि हीट फ्लो होना शुरू होती है, तो ये डी टी हमेशा नेगेटिव होता है। इस कारण ये के है वो के के आगे नेगेटिव साइन आ रहा है। जब डी टी को हम इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर लिखेंगे या एंड टेम्परेचर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस इसमें फॉर्मूले में नहीं आएगा। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है उसको हम न्यूटन्स लॉ से देते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस एच ए डी टी। और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्टिव थ्रू ए कंपोजिट वॉल से होने वाली हीट ट्रांसफर है उसकी रेट है वो होती है टी वन माइनस टी फोर और एक्स वन अपॉन के वन ए प्लस एक्स टू अपॉन के टू ए प्लस एक्स थ्री अपॉन के थ्री ए। या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है वो तीनों वॉल की, हमने कंपोजिट वॉल को तीन वॉल का बना हुआ माना है, उसकी थिकनेस है। के वन के टू के थ्री उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है और ए है वो इनका कॉमन एरिया है जहाँ से कि हीट फ्लो हो रही है। रेट ऑफ कंडक्टिव हीट ट्रांसफर थ्रू ए होलो स्फीयर से होने वाली हीट ट्रांसफर हम ये पढ़ चुके हैं कि 4 पाई के आर वन आर टू इंटू टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन। और इसी तरह से होलो सिलेंडर से होने वाली हीट ट्रांसफर है वो 2 पाई के एल टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई लॉग आर टू बाई आर। तो ये फॉर्मूले हम और जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है ये दोनों हम फिफ्थ और सिक्स यूनिट में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है क्या? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको आई के पैरेलल, जो कि इलेक्ट्रिकल में करंट फ्लो होता है उसके, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको वोल्टेज डिफरेंस के, और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको अपन कंडक्टिव या कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल मानते हैं। इस एनालॉजी में हम जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस है उसको ओम्स लॉ की इक्वेशन है आई इक्वल्स टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर इससे कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पहली इक्वेशन थी जो कि फोरियर लॉ से थी उसको अगर हम इस रूप में लिखें आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर, क्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर में लिखें, तो हम ये देखते हैं कि ये हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन के ए इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई आर। आर यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस है जो कि फोरियर इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा। अगर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है तो न्यूटन्स लॉ में हम लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन वन बटा एच ए। यहाँ पे ये वन अपॉन एच है ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। और जो इक्वेशन तीसरी इक्वेशन है जो कि कंपोजिट वॉल है उसमें जैसा कि हमने कहा कि तीन वॉल को मिलके हमने कंपोजिट वॉल में उसको मन के माना है, तो तीनों वॉल है उसको अपन ने एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री उसकी थिकनेस है और के वन के टू के थ्री उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो
तो यहां पर ये पहली वॉल का रेजिस्टेंस, ये दूसरी वॉल का रेजिस्टेंस, ये तीसरी वॉल का रेजिस्टेंस, और टी वन माइनस टी फोर इक्वल डिवाइडेड बाई सिग्मा आर, सिग्मा आर यहां पे सम ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस है और डिफरेंट वॉल्स। तो ये एक हम जो हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है उसको ओम्स लॉ के हिसाब से लिख के, और फिर जो डिफरेंट टेम्परेचर है वो जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। कंपोजिट वॉल का एग्जाम लेते हुए हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको समझते हैं। यहाँ ये एक कंपोजिट वॉल है जो कि एक दो और तीन, तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। इनकी थिकनेस है वो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री दी हुई है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, पहली वॉल का टेम्परेचर टी वन, पहली और दूसरी का जॉइंट का टेम्परेचर टी टू, और दूसरी तीसरी के बीच का टेम्परेचर वो टी थ्री, और एंड टेम्परेचर है वो टी फोर है। टी वन को हम ज्यादा मानते हैं टी फोर से, तो हीट फ्लो की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, हीट ट्रांसफर इधर से इस तरफ जाएगी। एरिया सबका कॉमन मानते हैं जो कि ए है। अब अगर हम इसको जो डायग्राम है इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के रूप में अगर लिखें तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन की जगह क्यू फ्लो की डायरेक्शन ये होगी टी वन से टी फोर की तरफ। यहाँ पे टी वन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर टी वन, उसके बाद पहली जो वॉल है उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस, फिर ये टी टू आ गया, फिर दूसरी वॉल का कंडक्टिव रेजिस्टेंस, फिर ये टी थ्री आ गया, और फिर तीसरी वॉल का कंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये फिर टी फोर आ गया। तो ये एक हमने जो वॉल का जो था कंडक्टिव रेजिस्टेंस उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से इस तरह से एक ये पाथ में यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको एक बार इस तरह से लिखने के बाद, चाहे कंडक्टिव रेजिस्टेंस तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस लिख लीजिए, और अगर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। जो भी इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है, इसकी हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, उसको आप इस तरह से हीट ट्रांसफर शुरू होने से, ज्यादा टेम्परेचर से शुरू होगा और एंड टेम्परेचर तक आकर बीच बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उनको यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हमको हीट ट्रांसफर क्यों कैलकुलेट करना है, तो हम सीधे इसमें, और बाकी सब चीजें दी हुई है, बाकी कौन सी चीजें दी हुई है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री दिया हुआ है, टी वन और टी फोर दिया हुआ है, के वन के टू के थ्री दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो सीधा हम क्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे टी वन टी फोर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टू के वन के टू के थ्री और एरिया इसका मान रख देंगे, तो हम सीधा इसमें क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरह की प्रॉब्लम ऐसी भी आ सकती है कि हमारे को क्यू भी कैलकुलेट करना है, टी फोर भी कैलकुलेट करना है, जबकि टी थ्री दिया हुआ हो। तो टी थ्री अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से हमने ये देखा कि टी वन टी टू और टी थ्री, तो टी थ्री अगर दिया हुआ है तो क्यू इक्वल्स टू टी वन माइनस टी थ्री। टी वन से लेकर टी थ्री के बीच में दो ही रेजिस्टेंस आते हैं, ये आर वन और आर टू, तो हम क्यू इक्वल्स टू टी वन माइनस टी थ्री ये लिखेंगे, और यहां पर डिवाइडेड बाई एक्स वन अपॉन के वन ए प्लस एक्स टू अपॉन के टू ए, ये यहां पर दो ही रेजिस्टेंस लिखेंगे। ये रेजिस्टेंस लिखने से टी वन टी थ्री दिया हुआ है, एक्स वन एक्स टू दिया हुआ है, के वन के टू दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो हम सीधा यहां पे क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू कैलकुलेट होने के बाद फिर हम वापस ऊपर वाली इक्वेशन को काम में ले लेंगे, और यहां पे क्यू इक्वल्स टू टी वन माइनस टी फोर, और यहां पे फिर वापस हम तीनों रेजिस्टेंस को काम में ले लेंगे, तो क्यू हमारे को इस इक्वेशन से मिल जाएगा, तो हम सीधा यहां पे टी फोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से क्यू फ्लो की डायरेक्शन में जो जो टेम्परेचर अलग अलग स्टेज पे आते हैं और जिन दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आता है उस रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर लें, और जो भी दो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं क्यू इक्वल्स टू वो दो टेम्परेचर डिवाइडेड बाई उन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको आपको लिखना है। यूनिट्स है उनका ध्यान रखना कि इसमें जो यूनिट्स दी हुई हो उसको आप सभी रेजिस्टेंस है वो एक यूनिट में, कोई एक सेंटीमीटर में एक मीटर में ऐसा नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्ट्रिकल एनालिसिस से किसी भी तरह का, चाहे कंडक्टिव रेजिस्टेंस हो
रेजिस्टेंस हो, उस रेजिस्टेंस वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।